हम ट्रिग्नोमेट्री पढ़ रहे थे. ट्रिग्नोमेट्री में हम लास्ट क्लास में ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज स्टार्ट किए थे. आज हम ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज़ के कुछ क्वेश्चंस और आगे के करते हैं. भाई हमने देखा था ट्रायंगुलर आइडेंटिटीज़ में, हमने लास्ट 5 क्वेश्चंस कर लिए थे. नेक्स्ट क्वेश्चन अपन कर रहे हैं, इफ़ ए प्लस बी प्लस सी इक्वल टू पाई देन प्रूव डेट टेन ए बाई टू इंटू टेन बी बाई टू का समेशन इक्वल टू 1. तो ये कहना क्या चाह रहा है अपन देखिए ज़रा. ये कह रहा है कि अगर ये हमारे पास प्रूव करना है हमें टेन ए बाई टू इंटू टेन बी बाई टू, फिर प्लस टेन बी बाई टू इंटू टेन सी बाई टू, प्लस टेन सी बाई टू इंटू टेन ए बाई टू इक्वल टू 1. यह प्रूव करना है. समेशन ऑफ टेन ए बाई टू टेन बी बाई टू इक्वल टू 1, मतलब टेन ए बाई टू इंटू टेन बी बाई टू, टेन बी बाई टू इंटू टेन सी बाई टू, टेन सी बाई टू इंटू टेन ए बाई टू इक्वल टू 1. ये हमें प्रूव करना है. इसको हम प्रूव करने के लिए एक काम करते हैं. हम कह देते हैं भाई हमारे पास a प्लस बी प्लस सी की वैल्यू क्या गिवन है, पाई गिवन है. अगर मैं 2 से डिवाइड करता हूँ तो हमारे पास ए वाई टू प्लस बी वाई टू प्लस सी वाई टू की वैल्यू क्या जाएगी, पाई वाई टू आ जाएगी. अगर मैंने सी वाई टू का ट्रांसफ़र कर दिया तो ए वाई टू प्लस बी वाई टू की वैल्यू क्या हो जाएगी, पाई वाई टू माइनस सी वाई टू. दोनों तरफ मैंने टेन ले लिया तो हमारे पास आ जाएगा टेन ऑफ ए वाई टू प्लस बी वाई टू इक्वल टू हो जाएगा टेन ऑफ पाई वाई टू माइनस सी वाई टू. अब यहाँ हमने टेन ए प्लस बी का फॉर्मूला लगा दिया, टेन ए प्लस बी का फॉर्मूला लगाया तो ये हमारे पास हो जाएगा टेन ए प्लस टेन बी. तो टेन ए बाई टू प्लस टेन बी बाई टू अपॉन 1 माइनस टेन ए टेन बी, मतलब 1 माइनस ऑफ टेन ए बाई टू इंटू टेन बी बाई टू, ये आ गया इक्वल टू टेन पाई बाई टू माइनस सी बाई टू, मतलब टेन 90 माइनस थीटा, मतलब कॉट थीटा, और कॉट थीटा इज 1 अपॉन टेन थीटा, तो ये जाएगा 1 अपॉन टेन सी बाई टू. क्रॉस मल्टीप्लाइड करेंगे इसको, टेन सी वाई टू यहाँ जाएगा तो टेन सी वाई टू इंटू टेन ए वाई टू हो जाएगा, तो ये हो जाएगा टेन सी वाई टू इंटू टेन ए वाई टू, प्लस ये यहाँ जाएगा तो ये हो जाएगा टेन बी वाई टू इंटू टेन सी वाई टू, और ये यहाँ जाएगा तो ये हो जाएगा 1 माइनस ऑफ टेन ए वाई टू इंटू टेन बी वाई टू. टेन ए वाई टू टेन बी वाई टू को हम इस तरफ ट्रांसफर कर देंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा टेन ए वाई टू इंटू टेन बी वाई टू प्लस टेन बी बाई टू इंटू टेन सी बाई टू प्लस टेन सी बाई टू इंटू टेन ए बाई टू इक्वल टू 1. हैंस रूट, ठीक है, नोट कर लीजिए. हाँ भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं. बोला है इफ ए प्लस बी प्लस सी इक्वल टू पाई देन प्रूव डेट समेशन ऑफ कॉट ए बाई टू इक्वल टू पाई ऑफ कॉट ए बाई टू. क्या मतलब है इसका, समेशन ऑफ कॉट ए बाई टू का मतलब है कॉट ए बाई टू प्लस कॉट बी बाई टू प्लस कॉट सी बाई टू, और पाई ऑफ कॉट ए बाई टू का मतलब है कॉट ए बाई टू इंटू कॉट बी बाई टू इंटू कॉट सी बाई टू. ये हमारे पास है, ये हमें प्रूफ करना है. बहुत ही आसान है. अभी हमने इसके पहले प्रूफ किया था इफ ए प्लस बी प्लस सी इक्वल टू पाए देन टेन ए बाई टू इंटू टेन बी बाई टू प्लस टेन बी बाई टू इंटू टेन सी बाई टू प्लस टेन सी बाई टू इंटू टेन ए बाई टू इक्वल टू 1. अगर हम दोनों तरफ टेन ए बाई टू टेन बी बाई टू टेन सी बाई टू से डिवाइड कर दें तो टेन ए बाई टू इंटू टेन बी बाई टू के अपॉन में अगर टेन ए बाई टू टेन बी बाई टू टेन सी बाई टू होगा तो क्या होगा, क्या किया हमने, टेन ए बाई टू इंटू टेन बी बाई टू था, इसके अपॉन में हमने डिवाइड कर दिया टेन ए वाई टू इंटू टेन बी वाई टू इंटू टेन सी वाई टू. टेन ए वाई टू टेन बी वाई टू टेन ए वाई टू टेन बी वाई टू कैंसिल हो गया तो 1 अपॉन टेन सी वाई टू हो गया कॉट सी वाई टू. सिमिलरली जब टेन बी वाई टू टेन सी वाई टू के अपॉन में हम टेन ए वाई टू टेन बी वाई टू टेन सी वाई टू करेंगे तो हमारे पास टेन बी वाई टू टेन सी वाई टू कैंसिल हो जाएगा तो हमारा क्या जाएगा हमारे पास ये 1 अपॉन टेन ए वाई टू मतलब कॉट ए वाई टू. तो कॉट सी वाई टू प्लस हो जाएगा कॉट ए वाई टू. सिमिलरली यहाँ पे हमारे पास क्या हो जाएगा कॉट बी वाई टू. और जब इस 1 के अपॉन में करेंगे टेन ए वाई टू टेन बी वाई टू टेन सी वाई टू तो 1 अपॉन टेन ए वाई टू क्या हो जाएगा कॉट ए वाई टू. 1 अपॉन टेन बी वाई टू क्या हो जाएगा कॉट बी वाई टू. 1 अपॉन टेन सी वाई टू क्या हो जाएगा कॉट सी वाई टू. ये प्रूफ हो गया, नोट कर लीजिए. देखें भाई एक और क्वेश्चन. बोला गया है थ्री सर्कल्स टच वन अनदर एक्सटर्नली. क्या बोल रहे हैं, थ्री सर्कल्स टच वन अनदर एक्सटर्नली. एक सर्कल तो हम ये ले लेते हैं
और दूसरा सर्कल हम ये ले लेते हैं और तीसरा सर्कल हम ये ले लेते हैं। इस वाले सर्कल का जो सेंटर है वो हम P ले लेते हैं, इस वाले का जो सेंटर है वो Q ले लेते हैं और इसका जो सेंटर है वो हम R ले लेते हैं, ठीक है। और इसकी रेडियस हम R1, इसकी रेडियस R2 और इसकी रेडियस R3 ले लेते हैं। और ये जो पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट हैं, ये पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट हम A, B और C ले लेते हैं। अब आगे पढ़ते हैं अपन। बोला गया है द टेंजेंट्स एट देयर पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट, टेंजेंट्स एट देयर पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट मीट द पॉइंट हुज डिस्टेंस फ्रॉम द पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट इज 4, ठीक है भाई। अब यहाँ पे पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट पे टेंजेंट ड्रॉ करी गई, तो अपन ने A पे टेंजेंट ड्रॉ करी, फिर हमने C पे टेंजेंट ड्रॉ करी, फिर हमने B पे टेंजेंट ड्रॉ करी। ये जहाँ मिल रहा है वो O है। अच्छा, अब देखो लेंथ ऑफ टेंजेंट इक्वल होती है तो OA इक्वल टू OB होगा, OB इक्वल टू OC होगा और OC इक्वल टू OA होगा, क्योंकि OA और OB इस रेडियस 3 वाले सर्कल पे टेंजेंट लेंथ ऑफ टेंजेंट इक्वल हो गई। OB और OC लेंथ ऑफ टेंजेंट इस पे इक्वल हो गई और OA और OC लेंथ ऑफ टेंजेंट इस पे इक्वल हो गई। तो हमारे पास जो OA इक्वल टू OB इक्वल टू OC होगा ये दिया है 4, सही है। अगर ऐसा दिया है तो हमसे बोला है फाइंड द रेशियो ऑफ प्रोडक्ट ऑफ देयर रेडियाई, मतलब R1 इंटू R2 इंटू R3 अपॉन सम ऑफ देयर रेडियाई, मतलब R1 प्लस R2 प्लस R3, इसकी वैल्यू क्या होगी ये निकालना है। दिस इज द क्वेश्चन। क्वेश्चन समझ में आया? हमने क्या किया, हमने इस P से इसको ज्वाइन किया R को, अच्छा ये तो 90 डिग्री होगा, फिर हमने P Q को ज्वाइन किया, फिर हमने R Q को ज्वाइन किया, तो ये सब 90 डिग्री होंगे और 90 डिग्री होगा तो यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस तो R1 होगा, यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस R3 होगा, यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस जो है वो R3 होगा और यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस जो है वो R2 होगा। ये वाला डिस्टेंस इसकी रेडियस R2 के इक्वल होगा और ये वाला डिस्टेंस इसकी रेडियस R1 के इक्वल होगा। कुछ ऐसी कहानी हमारे पास होगी। अच्छा, ये जो फिगर बना है हमारे पास ट्रायंगल PQ, क्वेश्चन देखते हैं। इन ट्राइंगल ABC a प्लस बी प्लस सी इक्वल टू पाई, देन प्रूव डेट साइन a/2 प्लस साइन a/2 प्लस साइन c/2 इक्वल टू 4 साइन पाई माइनस a/4 इंटू साइन पाई माइनस b/4 इंटू साइन पाई माइनस c/4। देखें हम जरा भाई, हमसे बोला गया है साइन a/2 प्लस साइन b/2 प्लस साइन c/2। अगर ऐसा है, हमने इन दोनों को साथ में लिया और साइन c प्लस साइन d लगाया तो हो जाएगा 2 साइन a प्लस बी बाय 4 ए प्लस बी बाय 4 इंटू कॉस सी माइनस डी बाई 2, तो a माइनस बी बाय 4 प्लस हमारे पास आ गया साइन c/2। अब भाई आगे क्या करेंगे ये हमें समझ में आना नहीं आ रहा है, तो हम ऐसा कुछ करें कि या तो यहाँ पे a प्लस बी बाय 4 हो जाए या फिर c/2 या c/4 कुछ इस तरीके टर्म्स हो जाएं, कुछ ना कुछ तो करना ही पड़ेगा। तो मैंने ऐसा किया, मैंने साइन को कॉस में कन्वर्ट कर दिया, मैंने इसे लिख दिया कॉस π/2 माइनस c/2, सही है। और ये हमारे पास a प्लस बी की वैल्यू क्या होगी, पाए माइनस सी, तो ये हो गया पाए माइनस c/4 इंटू साइन a माइनस b/4, सही बात है। अब यहाँ पे मैंने cos 2 थीटा का फॉर्मूला लगा दिया। cos 2 थीटा क्या होता है, 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा, तो ये मेरे पास आ गया 2 साइन पाए माइनस c/4 इंटू साइन a माइनस b/4 माइनस 2 साइन स्क्वायर पाए माइनस c/4 प्लस 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा, तो 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर पाए माइनस c/2 था, अपॉन में एक और 2 करेंगे तो पाए 4 हो जाएगा। अब इन दोनों में से मैंने क्या किया, 2 साइन पाए माइनस c/4 कॉमन ले लिया, तो यहाँ हमारे पास आ गया साइन ऑफ a माइनस b/4 और माइनस हमारे पास आ गया साइन ऑफ पाए माइनस c/4 और प्लस 1। अब मैंने ये जो पाए माइनस सी था इसको रख दिया ए प्लस बी, सही बात है। अगर मैं पाए माइनस सी को ए प्लस बी रख दूँ तो ये हो जाएगा साइन ऑफ ए माइनस बी बाय 4 माइनस ऑफ साइन ऑफ ए प्लस बी बाय 4,
और प्लस वन। अच्छा मैंने क्या किया है, यहाँ से साइन ए प्लस बी माइनस साइन ए माइनस बी हमने पढ़ा है, यहाँ उल्टा था तो मैंने यहाँ से एक माइनस कॉमन और ले लिया, माइनस कॉमन लिया तो ये प्लस का हो गया, ये माइनस का हो गया और ये हो गया माइनस टू साइन पाई माइनस सी बाय फोर। अब यहाँ पे हमारे पास हो गया साइन ए प्लस बी माइनस साइन ए माइनस बी, क्या हो जाएगा, हाँ सॉरी प्रिंटिंग मिस्टेक है भाई, यहाँ पे कॉस था ना, यहाँ कॉस होगा, यहाँ भी हमारे पास कॉस होगा और यहाँ भी हमारे पास जो है वो कॉस होगा, ठीक है कोई बात नहीं, अपन आगे बढ़ते हैं। यहाँ तक समझ में आया, यहाँ तक हो गया, नोट कर लीजिए पहले यहाँ तक, फिर अपन आगे बढ़ते, यहाँ तक पहुँच गए थे। ये हमारे पास आ गया टू साइन पाई माइनस सी बाय फोर और ये ब्रैकेट के अंदर हमारे पास है कॉस ऑफ ए माइनस बी बाय फोर और अगर यहाँ हम पाई माइनस बी रखेंगे तो हो जाएगा माइनस ऑफ साइन पाई माइनस सी को क्या लिख सकते हैं ए प्लस बी, तो पाई माइनस सी को लिख सकते हैं अपन ए प्लस बी, तो ये हो जाएगा ए प्लस बी बाय फोर और प्लस वन। अब यहाँ पे कॉस है यहाँ पे साइन है तो या तो दोनों को कॉस में कन्वर्ट कर दो या दोनों को साइन में कन्वर्ट कर दो, ठीक है। तो मैंने इसे भी कॉस में कन्वर्ट कर दिया तो ये हमारे पास हो गया कॉस ऑफ ए माइनस बी बाय फोर माइनस ऑफ कॉस पाई बाय टू माइनस ऑफ ए प्लस बी बाय फोर और प्लस वन, ये माइनस टू था बाहर, माइनस टू साइन, अभी माइनस नहीं लिया, ठीक है अभी नहीं लिया माइनस, ये है। अब यहाँ पे अपन लगा रहे हैं कॉस सी माइनस कॉस डी, अगर कॉस सी माइनस कॉस डी देखते हैं ये साइन पाए माइनस सी बाय फोर, तो कॉस सी माइनस कॉस डी क्या हो जाएगा हमारे पास, देखें ज़रा, टू साइन सी प्लस डी बाई टू करें हम सी प्लस डी, तो ए माइनस बी बाय फोर माइनस ऑफ प्लस ऑफ पाई बाई टू माइनस ए प्लस बी बाय फोर अपॉन टू, टू साइन सी प्लस डी बाई टू इंटू साइन डी माइनस सी बाई टू, तो डी मतलब पाई बाई टू माइनस ए प्लस बी बाय फोर माइनस ऑफ ए माइनस बी बाय फोर अपॉन टू, ये हो गया और लास्ट में ये प्लस वन रहेगा ही रहेगा। तो ये हमारे पास बाहर है टू साइन पाई माइनस सी बाय फोर, ये टू साइन टू और टू हो गया फोर, तो हो गया फोर साइन पाई माइनस सी बाय फोर इंटू साइन। अब देखें भाई ये एलसीएम तो फोर आ जाएगा और ये के वाला टू है तो ये टू हो जाएगा, तो ये हो जाएगा टू पाई, ये हो जाएगा प्लस ए माइनस बी और ये माइनस ऑफ ए माइनस ऑफ बी। यहाँ पे अगर अपन देखेंगे तो ये साइन एलसीएम तो फोर आएगा इसका न्यूमरेटर का और ये टू डिनोमिनेटर वाला ये रहेगा, तो ये हो जाएगा टू पाई माइनस ए माइनस बी व माइनस ए प्लस बी और बाहर है प्लस वन, तो ये हमारे पास ए से ए कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पे माइनस बी और प्लस बी कैंसिल हो जाएगा, तो टू पाई माइनस टू बी बाई एट, टू कॉमन आके कैंसिल हो जाएगा, तो ये हो जाएगा फोर साइन पाए माइनस सी बाय फोर इंटू साइन पाए माइनस बी बाय फोर इंटू साइन टू पाए माइनस टू ए बाय एट, तो टू कॉमन हो जाएगा तो पाए माइनस कॉमन हो गए कैंसिल ए बाय फोर प्लस वन। एक करेक्शन और था, जब हमने क्वेश्चन लिखा था वहाँ यहाँ प्लस वन लिखना भूल गया था, है ना, हमने यहाँ क्वेश्चन में लिखा था प्रूव डेट इट इज इक्वल टू फोर साइन पाई माइनस ए बाय फोर इंटू साइन पाई माइनस बी बाय फोर इंटू साइन पाई माइनस सी बाय फोर, वहाँ पे प्लस वन नहीं लिखा था, वहाँ पे प्लस वन और लिख लीजिए, ये क्वेश्चन प्रूफ हो गया, ठीक है नोट कर लीजिए।